अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड सेफ एट योर होम्स। एज वी डिस्कस इन प्रीवियस दैट सम वैल्यूज हैव नॉट फाइंड द परफेक्ट स्क्वायर रूट्स, सो दे आर कॉल्ड द नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, देयर स्क्वायर रूट और डिवीजन मेथड कंटिन्यू एज इट इज। सो वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन दैट इन प्रीवियस दैट वी आर गोइंग टू टेक द नंबर्स अप टू 3 डेसिमल। इन टूडेज टॉपिक वी आर टेकिंग दिस अप टू 2 डेसिमल्स। 2 डेसिमल मीन्स पॉइंट के बाद आपके पास 2 नंबर्स होने चाहिए। तो इसमें हमारे पास ये है कि फाइंड द एग्जाम्पल देखते हैं, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 2.5 अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। सो आपके पास ये नंबर आ गया, तो अब आपको 2 डेसिमल पॉइंट तक चाहिए, तो आपने क्या करने हैं, 2 पेयर डालने जीरो के, ठीक है। और जो लास्ट नंबर जैसे 2.5 दिया हुआ है, तो 5 के साथ एक जीरो डाल के उसको कंप्लीट करना, क्योंकि पॉइंट के बाद हम पेयर्स लेते हैं, तो पेयर्स आपके पास कंप्लीट होने चाहिए, ठीक है। हमने वही पेयर्स कंप्लीट किए, उसके बाद हमने सेम एज इट इज मेथड, हमने क्या किया, कोई 2 ऐसे नंबर लिए जिसको हम मल्टीप्लाई करें, आंसर आपके पास 2 या 2 से कम आए, तो 1 1 1 आ गया। ओके, सी दैट 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 आ गया, इसमें से हमने सब्ट्रैक्ट किया तो 1 आ गया, ठीक है। अब हमने 1 प्लस 1 ऐड किया तो 2 आ गया, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा, 5 से हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास सूटेबल आंसर 150 से कम आएगा। तो 5 से 25, 5 इधर 2 द कैरी, 5 टू द 10, 11 12 125। हमने 150 में से 125 सब्ट्रैक्ट किया, तो आपके पास आंसर आ गया 25। जीरो का पेयर हमने एज इट इज़ नीचे ड्रॉप आउट कर लिया। अब 25 में 5 ऐड करेंगे, एंड हम लोग ये जो एडिशन का मेथड, स्टूडेंट्स ये जो हम सेकंड स्टेप में आगे हम एडिशन करते हैं, ये हमारे पास रूल है, क्योंकि हमें जो फर्स्ट स्टेप में हम नंबर चूज करते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए सेम नंबर्स, उसके बाद जो हमें नेक्स्ट में चाहिए वो हमें 2 स्टेप्स या 2 डेसिमल्स तक हमें इंक्रीज नंबर चाहिए होता है, तो इसीलिए हम उसको ऐड करते हैं ताकि वो नंबर एज इट इज़ फर्दर कंटिन्यू हमारे पास रहे। अगर हम उसको ऐड ना करें तो हमारे पास वो नंबर स्किप हो जाएगा, हम न्यू नंबर को बीच में ऐड नहीं कर सकते। सो 25 मल्टीप्लाई बाय 5 आगे 125 हो गया, 0 उतर गया। 25 में आपने फिर अगेन 5 ऐड किया ताकि हम इस प्रोसेस को आगे मजीद कंटिन्यू कर सकें। सो 25 प्लस 5 कितना हो गया, 30। 8 हमारे पास हमें सूटेबल नंबर लगा, तो हमने 8 के साथ हमने मल्टीप्लीकेशन कर ली। 2 4 6 4 आ गया आंसर, जिसमें से हमने सब्ट्रैक्ट किया, 36 आया। अगेन 0 को हमने ड्रॉप कर दिया, लेकिन हमने इसे सॉल्व नहीं किया, जानते हैं क्यों, क्योंकि हमारे पास एग्जाम्पल में दिया गया था हमने 2 डेसिमल प्लेसेस तक सॉल्व करना है, तो पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज आ गई हैं, तो इसका मतलब हमें यहीं तक स्टॉप करना है और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम ऐसा ही है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कहा जा रहा है कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, 3.6, 6.4, 28.9, 63.34, 816.081, 36.008। ये 6 पार्ट्स हैं आपके पास। अब इन 6 पार्ट्स के अंदर तमाम वैल्यूज टोटली डिफरेंट है, ठीक है। सबसे पहले जो हमने एग्जांपल डिस्कस की वो हमारे पास इससे रेलिवेंट है, इन दोनों तीन फर्स्ट 3 पार्ट्स से रेलिवेंट है, लेकिन जो नेक्स्ट 3 पार्ट्स हैं वो भी ऐसे ही हैं, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ चेंज क्या करेंगे, 0 की वैल्यू चेंज करेंगे। यहाँ पे आपके पास एक पेयर दिया हुआ है, तो इसका मतलब आपने सिर्फ यहाँ पे 2 पेयर लगाने 0 के। ये वाला पॉइंट है, इसमें एक पेयर गिवन है, एक के साथ एक जीरो ये लगेगा और एक पेयर आएगा, मतलब आपने टोटल 3 पेयर कंप्लीट करने ताकि आप उसको सॉल्व करके 2 डेसिमल्स तक लेके आ सकें। एक पेयर ये गिवन है, एक ये रहा, इसके साथ आप जीरो लगा के दूसरा पेयर, एक पेयर और ऐड करेंगे, मतलब आपने के पास पॉइंट के बाद जितने नंबर दिए जा रहे हैं आप उसके अकॉर्डिंग डेसिमल जीरोस ऐड करेंगे ताकि आपकी अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक आपके पास डिवीजन सॉल्व हो सके। आई एम गोइंग टू सॉल्व सेकेंड पार्ट फॉर यू, आफ्टर दैट यू हैव you can be able to solve the remaining parts of this question. I just briefly describe each and every part, so I hope you understand the next one. Let's start the second part of question number 2. इसमें हमारे पास 6.4 है, तो हमने क्या करना है, पेयर सबसे पहले बनाने हैं, 4 के साथ 0 लगा के एक पेयर ये हम कंप्लीट करेंगे, नेक्स्ट 2 जीरोस और एक पेयर ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। हमें डेसिमल पॉइंट के बाद 2 नंबर्स चाहिए, तो हमारे पास 2 वैल्यूज़ आ चुकी हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे इसकी मल्टीप्लिकेशन, तो डेसिमल पॉइंट से पहले एक नंबर है 6, तो हम 1 1 ज़ार 1, 2 2 ज़ार 4, सो 2 2 ज़ार 4 इज़ द सूटेबल नंबर वी आर गोइंग टू यूज़। 2 और 2 सेम नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे ताकि आपके पास आंसर फेमिलियर उसके आए, स्क्वायर रूट क्योंकि हम फाइंड आउट कर रहे हैं।
तो अब हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया, ये आपके पास 2 आ गया, पॉइंट एज इट इज़ ऊपर रिमूव कर गया, 40 पूरा डेसिमल पेयर जो है वो हम क्या करेंगे नीचे ड्रॉप आउट करेंगे, तो हमारे पास 2 और 2 को ऐड किया तो आपके पास 4 आ गया। एज यू नो मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम उसको ऐड इसलिए करते हैं कि हमारे पास जो पिछला स्टेप है वो एज इट इज़ आगे कंटिन्यू हो सके। तो हमारे पास हमें कोई एक सेकेंड नंबर चाहिए जिसमें हमारे पास 240 से मल्टीप्लाई करें तो 240 से कम नंबर आए या 240 आए। सो हमारे पास सूटेबल नंबर क्या होगा, 5 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास 45 मल्टीप्लाई बाई 5 5 5 25 5 4 20 और 22 2 5 आ गया। अब हम इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 240 में से 2 2 5 माइनस किया तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ से 1 कैरी लिया, 10 में से 5 5 आ गया, 4 में यहाँ 4 ख़त्म हो चुका था, 1 कैरी ले लिया तो यहाँ 3 बच गया, 3 में से 2 गए 1, 2 में से 2 माइनस किया 0। नेक्स्ट 0 का पेयर हम एज इट इज़ ड्रॉप आउट करेंगे, ये आपके पास 0 आ गया, 45 में आप 5 ऐड करें तो 50 हो जाता है, तो ये 50 ऐड हो गया। अगेन मैं आपको बताती चलूँ कि हमने इसके अंदर 5 ऐड इसलिए किया है ताकि हम नेक्स्ट स्टेप को कंटिन्यू कर सकें पिछले प्रीवियस स्टेप को। अब हमें कोई ऐसा नंबर चाहिए जिसको हम मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 1500 आई या उससे कम वैल्यू आए, सो 2 इज़ द सूटेबल नंबर, सो 502 मल्टीप्लाई 2 टू 4 0 2 5 ज़ा 10 1004, तो 1004 आ गया। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे से एक कैरी इधर चला गया 10, यहाँ से 9 बच गया 1 आ जाएगा, 10 में से 4 गए तो ये आ जाएगा 6, और 9 में से 0 कोई नहीं माइनस हो सकता, 9 एज इट इज़ आ जाएगा, यहाँ पीछे 4 बचा था, 4 में से 0 माइनस होते तो 4 ही आएगा, 1 माइनस 1 0। हमारे पास पॉइंट के बाद 2 नंबर आ गए तो हम कह सकते हैं यहीं पे हमें अपना स्क्वायर रूट वाला प्रोसेस स्टॉप करना होगा। तो यही हमारा क्या है, रिक्वायर्ड आंसर है। पीछे बैक पे आपके पास आंसर जो है वो राउंड ऑफ करके दिया हुआ है, इससे जो नेक्स्ट स्टेप में वैल्यू आएगी वो अगर 5 से अबव होती है तो हम पिछले प्रीवियस नंबर में 1 ऐड कर देते हैं, तो इसे हम राउंड ऑफ मेथड कहते हैं। तो इसमें जो बैक पे आंसर दिया गया है आपकी बुक टेक्स्ट बुक के, वो राउंड ऑफ करके दिया हुआ है, आप वो भी कर सकते हैं और ये भी कर सकते हैं, दोनों करेक्ट आंसर है। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट एंड डू प्रैक्टिस एट योर होम। थैंक यू।